अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन के ब्लॉग चैनल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे क्योंकि हमारे है नातू का बर्थडे। नातू का बर्थडे होने वाला है आज शाम में, है 15 तारीख को। आज 15 तारीख की है और आज शाम में बर्थडे है उसका 7 बजे, 7:30 बजे हम लोग बर्थडे पार्टी में पहुँचने वाले। तो उसके पहले उसके लिए थोड़ा सा कुछ सामान हम लोग खरीद लेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे। हम फर्स्ट टाइम हमारे नातू से मिल रहे हैं, जस्ट लव इट हमारा नातू। एंड तक जरूर बने रहना, आप लोग भी एंजॉय करना, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके थे हमारे नातू के शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पे लगी थी हम लोगों को भूख, तो हम लोगों ने ले लिया था नाश्ते में छाछ और उसी के साथ में लिया था सैंडविच। तो यहाँ पे हम लोगों ने सैंडविच वगैरह का नाश्ता किया सैंडविच के साथ में ना, और सिगड़ी के बर्नर भी लिए क्योंकि सिगड़ी के बर्नर हमारे खराब हो गए थे, वो भी लिए। और यहाँ पे देखिए ये छाछ है, इतनी मलाई वाली, इतनी मक्खन वाली छाछ थी ना, माशाल्लाह एकदम मजेदार छाछ थी। क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन थी और एसिडिटी हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा छाछ ही हम लोग पी रहे थे कि थोड़ा सा अच्छी लगे तबीयत। अब ये सब होने के बाद भी ये सब मसालेदार सैंडविच हम लोगों ने खाए, इंजॉय किए, बहुत मज़े का लगा। गर्मा गर्म सैंडविच था और ठंडी ठंडी छाछ। उसके बाद में हम लोगों ने फिर चाय और मस्का पाव का मज़ा लिया। ये मस्का पाव तो बहुत अमेजिंग टेस्ट था इस मस्के पाव का। तो मैं उनको पूछने लगी, भाई कि आपने कौन सा मस्का यूज़ किए बता दो थोड़ा, ताकि हम लोग घर पे भी यही मस्का लेके आ सके। तो मस्का तो उनका अमूल का ही था, अमूली मस्का उन्होंने बताया। लेकिन ये जो पाव चाय के साथ में जो डुबा के जो लग रहा था ना, इसका टेस्ट दोस्तों, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार, माशाल्लाह बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कितना। लेकिन पाव का फिर एसिडिटी भी हुई थी, मैं बोली जाने दे, बस कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा खाने पे, थोड़ा कम खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से हम लोगों ने ये चाय पिए, नाश्ता किए, तो उसमें आ गई थी ये बच्ची, ये बच्ची को भी भूख लगी थी। फिर इसको हम लोग मस्का पाव दिला रहे थे, तो ये बोलने लगी, नहीं मस्का चाय, मस्का पाव और चाय इसको दे रहे थे, तो ये बच्ची बोलने लगी, माँ की तरफ देख रही थी और उसको मस्का पाव ही चाहिए था, और वो भी उसको माँ से दिला रहे तो वो नहीं चाहिए था, उसको मेरे ही इसमें का मस्का पाव चाहिए था। तो यहाँ पे उसको दे दिए मस्का पाव, फिर वो बच्ची जाने लगी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिए चाय का मज़ा। इस तरीके से मैं बोली उसको कि एक मस्का पाव उसको दिला दो, तो वो नहीं ले रही थी, वो बोल रही थी यही वाला ही चाहिए, इतना ही चाहिए। फिर वो देने के बाद में हम लोग यहाँ पे निकले, हमने बोले चाय नाश्ता बस हो गया, अभी फटाफट से गिफ्ट ढूंढते हैं क्योंकि बर्थडे पार्टी में जाने के लिए लेट हो रहा था। तो फिर यहाँ पे एक दुकान में हम लोग आए और हमको यहाँ पे जो गाड़ी पसंद आई थी हमारे नातू के लिए, हम लोगों ने वो गाड़ी ले ली। ये मुझे बहुत अच्छी लगा, इसका कलर भी जो ग्रीन कलर होता है ना, लाइट ग्रीन कलर, ऊपर से एकदम फ्रेश लगता है, निकाल दो थोड़ा सा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ तो उसके जो वो जो नाक थी, वो कार्टून की जो गाड़ी की, उसके ऊपर कुछ तो चिपका था। मैं बोली भाई इसको अच्छे से साफ करके दे दो, थोड़ा सा क्लीन करके दे दो। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो भैया थे हमारे, जो गिफ्ट पैक करके दे रहे थे, वो काफी टाइम ले रहे थे। 2000 years later। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गिफ्ट पैक हो चुका है और हमने ठंडी सांस ली, हमने बोले भाई चलो रेडी हो गया हमारा गिफ्ट नातू के बर्थडे में जाने के लिए, तो हम लोग निकल गए। अरे हमारा तो ऐसा हो गया, फिर यहाँ से जैसे ही निकले सामने हमने देखे मोमोज की दुकान, हमने बोले भाई सब खाए, अगर मोमोज नहीं खाएंगे तो मोमोज नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मोमोज लिए। लेकिन माशाल्लाह टेस्ट इनके चटनी का, इनके मोमोज का माशाल्लाह। हमने पनीर मोमोज लिए थे, उनके पास चिकन मोमोज भी थे, मिक्स वेजिटेबल्स मोमोज भी थे, लेकिन मैंने बोली पनीर मोमोज खाते हैं। तीखी चटनी, शेंगदाने की चटनी और मेयोनीज तो माशाल्लाह इतनी प्यारी इन्होंने, मतलब इनका जो मोमोज थे इतने गरम गरम और एकदम अच्छे, जो आकार जो किसी को जमता नहीं है जल्दी, उस आकार के बने हुए मोमोज थे माशाल्लाह। मैंने जैसे ही खाई मेरे को एकदम मज़ा आ गया, बहुत बार टेस्ट एकदम मज़ेदार हो गया था। मैं बोली यार और खाती, लेकिन लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, लेट होने होने में भी हमारा खाना बन नहीं हो रहा था। माशाल्लाह हमने बहुत मज़े से मोमोज खाए, बहुत अच्छे लगे मोमोज, बहुत प्यारे थे। बाद में गर्म थे इसलिए हमने उनसे स्पून मांगा, तो उन्होंने हमको लकड़ी का स्पून दिया, उस स्पून भी बहुत खूबसूरत था। ये देखिए हमने खाए मज़े से। फिर यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए घर के पास और हम लोग जाने के लिए निकले ही थे बर्थडे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग रेडी होके निकल चुके थे बर्थडे पे जाने के लिए।
तो चलिए आप भी साथ में बने रहना बर्थडे पार्टी में। A few minutes later. तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे नातू के बर्थडे पार्टी के लोकेशन पे। तो अब हमने ले लिया यहाँ पे गिफ्ट और ये सब यहीं पे उनका घर भी था और उन्होंने नीचे ही सोसाइटी में पार्टी रखे थे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे चल के पार्टी में। देखिए उन्होंने वैसे तो डेकोरेशन वगैरह सब बहुत अच्छा किया था माशाल्लाह, और मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ उनका डेकोरेशन कैसा था। तो दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पे स्टेज पे, जो बोर्ड में आपको दिख रहा है वो नातू है और ये जो है हमारी मम्मी जी है। हम इसको वैसे प्यार से छकुली बोलते हैं, सभी घर में उनको छकुली बोलते हैं। और ये है हमारे दामाद जवई, जवई राजा बोल सकते हैं इनको। और यहाँ पे बच्चे को हम लोग गिफ्ट दे रहे थे, मुझे ऐसे देख रहा था वो, मेरे गोद में आ नहीं रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे फोटो वगैरह किए और जो हमारी छकुली है भी बहुत अच्छा उसका स्वभाव है माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है। तुरंत मेरे पैर वैर छूने लगी तो मेरा मन मतलब एकदम खुश हो गया अंदर से। अब दोस्तों छकुली का गाना सुनते हैं। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा तो दोस्तों हम सभी के गाने एंजॉय कर रहे थे और उसी में फिर हमको छकुली ने केक, चॉकलेट केक था बहुत प्यारा माशाल्लाह, और कुछ चिप्स लाके दिए और हम लोग गाने भी सुन रहे थे और हमारा जो केक वगैरह था ये भी खाके हम लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत मजा आया पार्टी में माशाल्लाह, एकदम मजेदार पार्टी थी, इतना अच्छा लगा था वहाँ पे। इतनी रौनक लग रही थी कि मतलब मन नहीं कर रहा था घर पे आने। वहाँ पे लोगों को 12 भी बज गए, पता नहीं चल रहा था कि 12 बज गए। फिर उसके बाद में हो गया था हमारा डिनर का टाइम, हम लोग आ गए थे फिर डिनर करने के लिए। इन्होंने डिनर का भी इंतजाम बहुत अच्छा किया था, पूरा वेज था लेकिन खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। सलाद वगैरह, पूरी भाजी, और तुमको सब देखने के लिए मिलेगा आगे। तो दोस्तों आगे देखिए क्या क्या था खाने में। भाजी, पूरी, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो इतने खवे के इतने प्यारे थे कि एक गुलाब जामुन में हम लोग आउट हो गए, मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छे पनीर मटर सब्जी थी, मटर पनीर था।
और दाल चावल एकदम बहुत प्यारे थे माशाल्लाह। और उसमें एक बात ये थी कि भाभी और संतोष भाई हम लोगों को छोड़ ही नहीं रहे थे, हमारे साथ साथ में ही थे। बहुत मतलब अच्छा लगा उन सभी से मिलके, भाभी से भी मैं फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ, बहुत अच्छे हैं बेचारे वो भी, और बहुत अच्छा लगा मिलके उनको। इतनी इज्जत दी है ना उन्होंने, जहाँ पे हम लोग इज्जत की गुंजाइश रखते हैं ना कि हमें अपनों से इतनी इज्जत इतना प्यार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो अपने जो एक नया रिश्ता हमारा बनता है, जो एक मतलब ऐसे मुंह बोले जो हम लोग बोलते हैं भाई है भाभी है, वो लोग इतना प्यार इतनी इज्जत दे देते हैं ना कि हम लोग मतलब समेट नहीं पाते वो सारी चीजें। ये देखो यहाँ पे ये सब लोग मेरे साथ ही खाना खाने के लिए, मैं बोली आप लोग खाओ खाना फिर अपन खाएंगे, तो नहीं भाभी ने बोले सब लोग साथ में खाना खा लेंगे। तो धीरे धीरे करते करते भाभी और जो बड़ी दीदी थी मतलब जो हमारे भाभी जेठानी थी वो, और ये भाभी खुशी से मुझे अपने हाथ से गुलाब जामुन खिला रहे थे, दीदी आपको खाना ही पड़ेगा, दीदी आपको खाना पड़ेगा। फिर संतोष भाई ने लिए और इनको भी जाके गुलाब जामुन खिलाया, इनके पैर छुए आशीर्वाद लिए, बाप रे इतना प्यार इतनी इज्जत दिए ना इन लोगों ने कि ये पूरी फैमिली है ना आज के बाद मेरी फैमिली हो गई माशाल्लाह। सभी लोग दीदी भाभी लोग और इनकी जो बच्चियां हैं छोटे वाले वो प्यारे से, क्या अपना उसका नाम था एक का रानी और जो एक छोटी छकुली थी वो बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे बच्चे थे माशाल्लाह। सब लोगों ने बहुत प्यार किए बहुत इज्जत दिए। ये बच्चा है उनका नीले शर्ट में जो दिख रहा है, संतोष भाई का एक लड़का है, बहुत अच्छा लगा, मजा आया, इतना अच्छा लगा ना, इतनी रौनक लग रही थी, इतना प्यार ऐसा मिलता है ना। हम लोग ऐसे दोस्तों प्यार ही भूखे होते हैं, खाना पीना तो क्या जिंदगी में चलते ही रहता है, लेकिन बहुत प्यार किए मेरे बच्चों को, मेरे साहिल को मेरे सोहेल को अपने हाथ से खिला रहे थे संतोष भाई। फिर उसके बाद में भाभी ने बोले चलो दीदी फोटो निकालते हैं फैमिली, चलो सब फैमिली मिलके फोटो निकालते, बहुत अच्छा लगा। एंड मैं बोलूँगी ना कि दिल से मेरा बहुत सारा प्यार बहुत सारी दुआएं हैं इस फैमिली के लिए, ये हमारी प्यारी सी स्माइल जो कर रही है छकुली, इसके लिए भी अल्लाह इसको भी हमेशा खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे और इसके जोड़े में हमेशा मोहब्बत दे अल्लाह। और ये भाभी भी बहुत प्यारे स्वभाव भी इन लोगों का, देखो जाते जाते भी और पैर ही छूरे, मैं बोली पैर मत छुओ आके मेरे गले लग जाओ। ये भी बच्ची आई भतीजी भी हमारी, इसने भी पैर छुई हमारे से, इतना सारा ऐसा प्यार सब लोगों ने दिया।